मुझे एक बचपन की बहुत सुंदर घटना याद आती है। गर्मी की छुट्टियां थी, हम सभी बच्चे, मतलब बुआओं के बेटे, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के चाचाओं के बेटे बेटियां, हम सब मिलके, समझो हमारे घर में एक ट्यूशन क्लास जैसे हो जाता था। 20-25 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और गर्मियों में तो खेतियों में फसल भी नहीं रहते थे, कटाव हो चुकी होती थी, खेत खुला रहता था, तो हमको बहुत अच्छा लगता था खुले खेत में खेलना, क्योंकि घर के आंगन में खेलते तो बड़े होते ना, ये नहीं करो वो नहीं करो बातें आती, लेकिन खेत में हम ही होते हैं, कोई काम वाला हमारी देखभाल के लिए वहाँ रहता है, कहीं गिर ना जाए, बस इतना ही। तो हम सब बच्चे बहुत खुले दिल से खेत में खेलने के लिए जाते थे दोपहर के बाद। जब खुले खेत में शाम के समय ना गर्मियों में मयूरियां आती थी नाचने के लिए, मयूर आते थे नाचने के लिए, खेत उनके लिए एक बहुत अच्छा नाट्यगृह बन जाता था। हम थोड़े थोड़े इधर उधर छिप जाते थे उस समय शाम के, मतलब सूर्यास्त के समय ये मयूर इकट्ठे हो जाते थे और आसपास देखते थे, क्योंकि थोड़ा सा शाय नेचर के होते हैं ना मयूर मोर, इधर उधर देखते थे कोई नहीं नजर आ रहा है तो खुले दिल से अपने पूरे पंखुड़ियां बिखेर के नाचते थे। वो देखने के लिए बहुत सुहावना सुंदर वेला हुआ करता था और हमारी आंखें उन सभी दृश्यों को अच्छी तरह से कैप्चर कर लेती थी। एक दिन ऐसे ही हम खेल रहे थे, आहट सुनी हमने, मोर उड़ उड़ के आ रहे थे, तो हम सब छिप गए, झाड़ियों में छिप गए। तो सारे मोर खेलने लगे, नाचने लगे, उसके बाद सारे, जैसे थोड़ा सा अंधेरा होने लगा तो सारे मोर उड़ गए। उसी बीच क्या हुआ, हमारे सामने किसी ने एक मोर को मार डाला, बेचारा मोर मर गया, लेकिन मरने के पहले उसने दो अंडे रखे थे कोने में जाके, एक जगह में उसने दो अंडे रखे थे, इसलिए वो मोर अपने झुंड से अलग हो गया था और पूरा झुंड चला गया था, वो मोर वहां पर अंडा रख रहा था। किसी ने देख लिया, उसको बंदूक की गोली से उड़ा दिया और हमारे देखते देखते वो मोर को उठा के भी ले गए। बाद में हम धीरे धीरे उस स्थल पर पहुंचे जहां पर मोर ने अंडा रखा था, दो अंडे रखे थे। हमने सोचा अभी इसका माँ तो चला गया, ये अंडे कैसे बच्चे बनेंगे। तो हम थोड़े बड़े थे, हमारे ग्रुप में भी थोड़े बड़े बच्चे भी थे, उन्होंने कहा क्या करेंगे, हमारे काम वाले के घर में मुर्गियां पाल रखा है, हम ये अंडे उठा के जाएंगे और मुर्गियों के अंडों के बीच में रख देंगे ताकि एक दिन मुर्गियों के अंडों के साथ साथ इसके अंदर के बच्चे भी निकल आएंगे, ठीक है ना। ऐसे सोचा हमने बहुत प्यार से और धीरे धीरे उस अंडे को उठाया और हम ले गए। उसमें क्या हो गया, हमारे दो ग्रुप बन गई, हमने एक अंडे को उठाया, हमारे चाचा के बेटे ने दूसरे अंडे को उठाया, कहा ये मेरा है ये मेरा है, हमने उसको बांट लिया। फिर हम ले गए काम वाले के घर में, गए मुर्गियों को रखने का एक जगह होता है ना, एक कोठी बनाई हुई होती है छोटी सी, वहां पर मुर्गियों के अंडे भी थे, उसके बीच में हमने रख दिया चुपचाप। हमारे साथ काम वालों के बच्चे भी खेलने आते थे, उनको कहा इसमें हाथ नहीं लगाना, ये बच्चा जब तक बाहर निकल आए देखते रहना। हम वापस आ गए, लेकिन हमारे जो चाचा का बेटा था उसको बहुत उत्सुकता थी कि कैसे बाहर निकलता है अंडे से बच्चा, मयूर का बच्चा, वो हम देखे। वो क्या करता था पता है, रोज जाता था सवेरे शाम, अंडे को उठाता था अपने अंडे को और देखता था अंदर बच्चा तो नहीं है, हिलाता था। तो आखिर क्या हुआ, हम भी जाते थे, रोज जाते थे, देखते थे, दूर से देखते थे, निहारते थे, सोचते थे इसमें से मयूर ही निकलेगी या मयूर, बस इतना ही सोचते थे, और छोटा बच्चा कैसे होगा ऐसे अनुमान लगाते थे, वापस आ जाते थे। एक दिन उनका अंडा सड़ गया और हमारे अंडे में से बहुत सुंदर मयूर निकल आया, सुंदर छोटा सा मयूर। यहां पर आपको क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि जब अंडा रखा है मुर्गियों के अंडों के बीच में रखा है, एक ना एक दिन अंडे से तो बच्चा आना ही है।
अगर मन में आशंका है, खुद पे विश्वास नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बार बार हिलाए। देखिए, आशंका है, संशय है, संशय के कारण विश्वास नहीं है, विश्वास के कारण विकर्म हुआ, जिसके कारण अंडा खराब हो गया। लेकिन जिसके मन में विश्वास था, विश्वास के कारण आशंकाएं नहीं थी, आशंकाएं नहीं थी तो चंचलता भी नहीं थी, इसके कारण सुंदर मयूर बाहर आ सका।